नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड बता दे कि परीक्षा 2023 का टाइम टेबल जारी हो गया है। साल 2023 में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 16 फरवरी से शुरू होगी और इन परीक्षाओं के लिए माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने छात्र और छात्राओं को परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं दी है। उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने बताया है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा संचालित की जाने वाली साल 2023 की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाएं 16 फरवरी 2023 से प्रारंभ होगी। वही शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने छात्र और छात्राओं से कहा है कि मन लगाकर और पूरी मेहनत से परीक्षाओं की तैयारी करें और साथ ही अच्छे अंक प्राप्त करें। उन्होंने बोर्ड परीक्षा में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं को परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं दी है। वही माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने बताया है कि वर्ष 2023 की बोर्ड परीक्षाओं को नकल विहीन बनाने की तैयारी की गई है और परीक्षाओं के समय नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाएगी। और इस तरीके से देखिए किस तरीके से परीक्षा को लेकर तरह तरह के फैसले लिए गए हैं। और बता दें आपको कि जिसको लेकर अब नए तरीके की बिना नकल के लिए एक योजना बनाई गई है जिसको लेकर तैयारी की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नए साल में उत्तर प्रदेश के वासियों के लिए जल्द ही महंगी बिजली का झटका लग सकता है। प्रदेश की बिजली कंपनियों ने वर्ष 2023 से 24 के लिए उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को दाखिल वार्षिक राजस्व आवश्यकताओं के साथ ही बिजली दरों में 15.85% औसत वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। इसमें सर्वाधिक घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं की दरों में 18 से 23% की वृद्धि का प्रस्ताव दिया गया है। उद्योगों के 16%, कृषि की 10 से 12% और घरेलू लाइफलाइन उपभोक्ताओं की दरों में 17% वृद्धि का प्रस्ताव आयोग में दाखिल हुआ है। कंपनियों ने 14.9% की वितरण हानियां दिखाई है और वर्ष 2023 से 2024 का गैप 9,140 करोड़ रुपए है। वहीं कुल बिजली खरीद का जो अनुमान है वे लगभग बता दें आपको कि 1,34,751 है, मिलियन यूनिट है। और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बिजली कंपनियों के प्रस्ताव का विरोध करते हुए विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन आरपी सिंह तथा बता दें कि सदस्य विनोद कुमार श्रीवास्तव से मुलाकात कर लोक महत्व याचिका दाखिल कर दी है। यूपी में लखनऊ, कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद, बहराइच, शामली, बागपत, अयोध्या और साथ ही बता दें कि गोरखपुर, उन्नाव, कन्नौज और साथ ही मुरादाबाद आदि जिलों में घने कोहरे के साथ ही ठंड का असर लगातार देखने को मिल रहा है। राजधानी में सोमवार की रात पारा 4.5 डिग्री दर्ज किया गया है। वही कोहरा 9 बजे से ही यूपी में कई शहरों में अपने आगोश में लेने लगा। मंगलवार सुबह की शुरुआत घने कोहरे के और कड़ाके की ठंड के साथ हुई है। बीते वर्ष 2022 में 9 जनवरी को न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। हालांकि दिन में समय अधिक धूप निकलने से लोगों को कुछ राहत की सांस ली है, लेकिन शीतलहर के कारण गलन का एहसास होता रहा है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार की रात बता दें कि प्रदेश भर के तापमान में लगभग 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है और साथ ही कोहरा भी हल्का होगा। अब बता दें कि आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ में विशिष्ट वैज्ञानिक एम दानिश ने अनुसार दिन के समय तापमान में काफ़ी हद तक गिरावट देखी जा रही है। घने कोहरे के साथ ही शीतलहर और शीत दिन के चलते मौसम घूमने के लिए बता दें कि मौसम खुलने के बाद भी हवा में गलन बरकरार रहेगा। इस वजह से मंगलवार को भी अत्यधिक शीत दिन यानी कि सीवियर कोल्ड डे घोषित किया गया है। यूपी के फतेहपुर में वेतन भुगतान सहित अन्य मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश के पावर कॉरपोरेशन निविदा आपको बता दें कि संविदा कर्मचारी संघ ने जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में अधीक्षण अभियंता कार्यालय के
अनिश्चितकालीन धरना में बैठ गए हैं। साथ ही विद्युत की समस्या आने पर काम न करने के निर्माण संगठन के लोगों को लिया है। जिला मुख्यालय स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्ष अनिल कश्यप के नेतृत्व में जिले भर में संविदा कर्मचारियों ने कहा है कि जब तक उनकी समस्याओं का निदान नहीं हो जाता यह धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। देखिए, अगर अधिकारी द्वारा और विभाग द्वारा हम लोगों की अगर सुनी जाती तो आज हम लोग इस परिस्थिति पर न होते। आज इतनी कड़ाके की ठंड पे कि हमारे बिजली के संविदा कर्मचारी पूरे जिले से यहाँ पे आए हैं, अगर आज ये पीड़ित न होते तो यहाँ पे न आते। अगर आपका मांगे नहीं पूरी होती तो क्या करेंगे? मांगे नहीं पूरी होती तो ये शासन प्रशासन की खुद जिम्मेदारी है। वर्तमान समय में ना तो हमारा पिछले 2-3 महीने से भुगतान नहीं हुआ है और हमारे लगातार पीएफ के पैसों में कटौती की जा रही है, जिसका आज तक भुगतान नहीं हुआ है। इस वजह से जब तक हम लोग धरने में बैठते हैं तभी कुछ ना कुछ लॉलीपॉप के नाम पे दे दिया जाता है, बस इसके अलावा एक भी रुपए का भुगतान नहीं होता। 8 माह का वेतन बकाया पड़ा हुआ है, 8 माह का पीएफ बाकी पड़ा हुआ है। इसके बाद जो दुर्घटना हुई है किसी कर्मचारी को हितलाभ नहीं मिला। इसके बाद लाइन मैन के द्वारा जो 24 घंटे काम लिया जाता और वेतन हमें जो है 8 घंटे का मिलता है, 26 दिन का वेतन दिया जाता है और काम लिया जाता है 30 दिन। इसके बाद अगर कोई कर्मचारी काम पे नहीं आता उसका पूरा वेतन 5-5, 6-6 दिन का वेतन काट लिया जाता है। इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन पे आए हुए हैं और जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी हम लोगों को वेतन, ईपीएफ, ईएसआई और जो दुर्घटनाग्रस्त कर्मचारी हैं उनका दुर्घटना हितलाभ ये नहीं दिया जाएगा, तब तक हम लोगों का धरना प्रदर्शन चालू रहेगा। क्या नाम है? मेरा नाम संदीप कुमार है, सैसो गाजीपुर पावर हाउस। धरना हमारा जो पूर्व में हमारी समस्याएं थी वो लगातार बनी हुई है। अधीक्षण अभियंता महोदय द्वारा जनपद फतेहपुर के कर्मचारियों की जो समस्याएं थी उन पर संज्ञान ना लेते हुए जो कि तो ही समस्याएं बनी हुई है, कंपनी का अनुबंध भी खत्म हो गया है। जो हमारे बीच में घायल कर्मचारी थे उनको उनका हितलाभ नहीं मिला, 2 महीने से बकाया वेतन नहीं मिली कंपनी द्वारा और अधिकारियों की मिली भगत से 10 महीने का ईपीएफ का गबन किया गया है, जिसपे कोई कार्रवाई ना करते हुए दूसरी कंपनी का टेंडर होने जा रहा है। सहारनपुर में आज ग्राम शेखपुरा कदीम मोहल्ला दरबार के ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को लेकर एक प्रार्थना पत्र डीएम को सौंपा है। डीएम को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाए गए हैं और बताया गया है कि गेट नंबर 84C2E शेखपुरा कदीम में बन रहे अंडरपास में बराबर में बन रहे दोनों ओर छोड़े जा रहे रास्ते में रेलवे विभाग के अधिकारियों द्वारा पैसे लेकर रास्ते की चौड़ाई में भेदभाव किया जा रहा है। डीएम ने प्रार्थना पत्र देकर ग्रामीणों ने अनुरोध किया है कि आप अपने स्तर पर एक कमेटी का गठन कर या स्वयं मौके पर जाकर हम ग्रामवासियों को न्याय दिलाने की कृपा करें। प्रार्थना पत्र में बता दें कि प्रार्थना पत्र देने वालों में शेर सिंह राजकुमार, भोपाल ईश्वर, सूरज भान, बिशनपाल उफ बिल्ला और साथ ही तेजपाल सुभाष सहित तमाम लोग मौजूद रहे हैं। और बता दें कि लगातार ये प्रार्थना पत्र डीएम को देते हुए नजर आ रहे हैं लोग और साथ ही अपनी मांगों को लेकर यहाँ डीएम से कहा गया है कि आप खुद हमें आकर इस मामले को लेकर न्याय दिलाए। साथ ही बता दें कि ग्रामीणों ने अपनी समस्या को लेकर लगातार बता दें कि आरोप भी लगाया है और प्रार्थना पत्र भी दिया है। सहारनपुर के ग्राम शेखपुरा कदीम मोहल्ला दरबार के ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को लेकर ये प्रार्थना पत्र डीएम को सौंपा है और डीएम को और देने के बाद आरोप लगाते हुए बताया है कि गेट नंबर 84C2E शेखपुरा कदीम में बन रहे अंडरपास के बराबर में बन रहे दोनों ओर छोड़े जा रहे रास्ते में रेलवे विभाग के अधिकारियों द्वारा पैसे लेकर रास्ते की चौड़ाई में भेदभाव किया जा रहा है, जिसके बाद से लगातार प्रार्थना पत्र दिया गया है और ग्रामीणों ने अनुरोध किया है कि आप अपने स्तर पर कमेटी का गठन करें या स्वयं मौके पर जाकर हमें ग्रामवासियों को न्याय दिलाए। इस मामले को लेकर लगातार ग्रामीणों में एक अलग आक्रोश भी देखने को मिला है और साथ ही चौड़ाई में भेदभाव का लगातार ग्रामीण आरोप लगाते हुए आ रहे हैं। रेलवे विभाग के अधिकारियों पर यह लगातार आरोप है और इस दौरान अब डीएम को प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है और देखना यह होगा कि डीएम इस मामले को लेकर और क्या कुछ कार्रवाई करेगी, कैसे ग्रामीणों को न्याय दिलाया जाएगा।
अब खबर सहारनपुर से है, जहां बता दें कि सरसावा से जहां डीएम अखिलेश सिंह, बता दें कि सीडीओ विजय कुमार ने थाना क्षेत्र सरसावा के ग्राम बुढ़ेढ़ा के समीप बन रहे नव निर्माण एयरपोर्ट का निरीक्षण किया है। डीएम ने बताया है कि कंपनी के ठेकेदार से चल रहे निर्माण कार्य और उनकी प्रगति के बारे में जानकारी ली गई है। उन्होंने बताया है कि एयरपोर्ट कार्य प्रगति पर है, दीपावली के से पहले ही एयरपोर्ट चालू कर फ्लाइट की उड़ान चालू कर दी जाएगी। उन्होंने बताया है कि एयरपोर्ट पर युद्ध स्तर पर निर्माण कार्य चल रहा है और बाउंड्री वाले पूर्ण के हो चुकी है और करीब 65 एकड़ भूमि पर चल रहे कार्य के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जमीन ट्रांसफर करनी थी और वे कर दी गई है। नव निर्माण एयरपोर्ट के निरीक्षण के बाद से डीएम और सीडीओ चीनी मिल पहुंचे और वहां पर प्रधान प्रबंधक दीप्ति देव यादव के साथ उन्होंने चीनी मिल के मशीनरी और यहां की व्यवस्थाओं को देखा है। साथ ही मिल गेट पर जहां पर भी किसान गन्ना तौल कर रहे थे, वहां भी सभी व्यवस्थाओं को देख किसानों में हो रही परेशानियों के बारे में पूछताछ की है। उन्होंने बताया है कि छोटी मोटी कमी मिल रही है, उसे जीएमओ को अवगत कराया जाएगा और इस मामले को जल्द से जल्द इस मामले पर कार्रवाई करते हुए इसे दुरुस्त कराया जाएगा। और फरीदाबाद में दो सगे भाइयों के बीच हुए विवाद की सूचना पर पहुंची पीआरबी पुलिस ने एक पक्ष ने अचानक हमला बोल दिया है, जिसमें पुलिस की गाड़ी का शीशा टूट गया है, वहीं एक सिपाही घायल हो गया है। वहीं पुलिस ने आरोप भी बता दें कि पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पूरा मामला जनपद फरीदाबाद के थाना सिसरागंज क्षेत्र के ग्राम रुधेनी का है, जहाँ दो सगे भाई सोनू और विकास में बंटवारे को लेकर मारपीट की गई, जिसमें एक भाई ने झगड़े की सूचना डायल 112 पुलिस को दी है। सूचना मिलते ही पीआरबी 660 पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही दोनों पक्षों को पकड़कर थाने ले गई है। इस दौरान सोनू और विकास एवं उनकी मां ने पीआरबी पुलिस की कर्मी के साथ बदसलूकी की है और मारपीट करते हुए गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया है। घटना में पुलिसकर्मी रवि घायल हो गया है। वहीं मौके पर पहुंचे मौजूद गाँव के कुछ लोग पुलिसकर्मी को बचाया गया है। और ये फिरोजाबाद का मामला है, जहां पर बता दें कि दो पक्षों में विवाद के बाद से लगातार पुलिस मौके पर पहुंची है और दोनों को पक्षों को गिरफ्तार करके थाने ले गई है। और किशन चंद्र संवाददाता फिरोजाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशन, क्या कुछ मामला रहा है कि दोनों पक्षों के बीच में इतनी भयानक विवाद देखने को मिला है? ये मैं बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला जो है फरीदाबाद के थाना सिसरागंज क्षेत्र के ग्राम रुधेनी का है, जहाँ पर दो भाइयों में बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें मारपीट हो गई। इसकी सूचना जब एक भाई ने डायल 112 पुलिस को दी थी, तो डायल 112 पुलिस जो है पीआरपी 660 जो मौके पर पहुंची थी, तो जब उन लोगों ने मामले को शांत कराया और उसके बाद में दोनों पक्षों को जब थाने ले जाने लगी, तभी दोनों ही भाई जो झगड़ा कर रहे थे, अचानक से और उसकी मां आ गई और तीनों चारों लोगों ने जो है पुलिस पर हमला बोल दिया, जिसमें रवि सिपाही नामक जो था वो घायल हो गया और वही गाड़ी के शीशे वीशे भी तोड़ दिए, जिसके बाद और भी पुलिस बुलाई गई वहां पर। उसके बाद जो है आरोपियों को थाने ले आया गया, जहां पर पुलिस ने कार्रवाई उनके खिलाफ की है। जी किशन, इस मामले को लेकर पुलिस पर भी काफी खतरनाक तरीके से हमला किया गया है। पुलिस की जो गाड़ी होती है पीसीआर, उसको उसके ग्लास तोड़ दिए गए हैं, साथ ही एक पुलिसकर्मी भी घायल बताया जा रहा है। इस मामले को लेकर आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ की जा रही होगी, क्या कुछ मामला बता रहे हैं पुलिस, जो इस मामले को लेकर विवाद हुआ था और वहां पर पुलिस पहुंची थी, और पुलिस पर हमला क्यों हुआ? जी मैं बताना चाहूंगा, ये सोनू और विकास में जो बंटवारे को लेकर झगड़ा हुआ था, तो इसकी जो सूचना पुलिस को मिली थी, जो कि पुलिस वहां मौके पहुंची थी, जब मामले को शांत कराया गया, उसके बाद जब ये लोग शांत नहीं हो रहे थे, पुलिस जो है जबरन इनको पकड़कर थाने ले जा रही थी, इसी दौरान उनकी मां आ गई और जो है अचानक से पुलिस वालों पर हमला बोल दिया, जिसमें रवि ने काफी बचाव किया, जो इसी में जो है धक्का मुक्की में और मारपीट में रवि जो है सिपाही घायल हो गया, जिसके बाद में वो गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई, तो उसके बाद में और भी पुलिस वहां बुलाई गई, उसके बाद सिपाही को वहां संजय स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर उसका
उपचार कराया गया। वही और भी जब पुलिस मौके पहुंची उसके बाद में आरोपियों को थाने ले जाया गया, जहां जिनके खिलाफ में मुकदमा दर्ज करके और उनको जेल भेजा गया है। किशन, इस मामले में अब तक कितने घायल हुए हैं और कितनी की गिरफ्तारी हो गई है? जी मैं बताना चाहूंगा, जो सोनू और विकास है इन दोनों में ही झगड़ा हो रहा था जमीनी बंटवारे को लेकर, तो इसमें मारपीट में दोनों ही भाइयों के हल्की फुल्की चोटें आई हैं, और जबकि सिपाही के सिर में भी चोट आई थी, तो इनको फिलहाल में जो है पुलिस पकड़ के थाने ले गई और इनका भी मेडिकल कराकर इनको जेल भेजा गया है। शुक्रिया किशन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि फिरोजाबाद का ये पूरा मामला है जहां पर पुलिस पर ही हमला हो गया है, और इस दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और लगातार पूछताछ उससे जारी है। बरेली में एक युवक की रात में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। उसका शव मकान के ही ऊपरी मंजिल पर बंद कमरे में पाया गया है। मृतक के मामा ने मौत को लेकर संदिग्ध माना और साथ ही घटना की शिकायत पुलिस से कर दी है। पुलिस ने शव को शमशान भूमि से वापस पोस्टमार्टम के लिए भेजा और साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। और ये मामला बता दें आपको कि बरेली से है, जहां संदिग्ध परिस्थिति में एक युवक की मौत हो गई है और उसका ये शव उसी के घर में एक कमरे से बरामद किया गया है। पुलिस अब लगातार इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पवन त्रिपाठी बरेली से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। पवन, क्या कुछ कारण बताया जा रहा है मौत का? पुलिस से आपकी बातचीत हुई होगी। एक बरती है यश गुप्ता 12 बजे कल अपने घर से वापस आया और अपने कमरे में जाके अंदर घर वालों का कहना है कि गैस बनने से उनकी सांस रुक गई, जिससे उनकी आकाशीय और पवन आपकी आवाज साफ आ नहीं पा रही है। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बता दें कि बरेली का ये पूरा मामला है जहां पर एक युवक का शव बरामद किया गया है और लगातार पुलिस इस मामले को लेकर पूछताछ में जुटी हुई है। और बता दें कि रात में संदिग्ध परिस्थिति में इसकी मौत हुई थी। उसका शव मकान के ऊपरी मंजिल पर बंद कमरे से बरामद किया गया। मृतक के जो परिजन है उनका ये कहना है कि मौत को संदिग्ध माना गया है और घटना की शिकायत पुलिस को कर दी गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही अब जल्द ही पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आएगा, उसके बाद ही इस मामले का खुलासा हो पाएगा। और बता दें कि जिस तरीके से ये मौत का मामला सामने आया था, उसके बाद से पुलिस लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और अब ललितपुर की खबर आपको बता दें, जहां अनियंत्रित कार ने बता दें कि तांडव मचाया है और शराब के नशे में धुत एक छात्र जो है वो शराब के नशे में धुत एक छात्र जो मध्य प्रदेश के गुना जिले के निवासी बताया जा रहा है, जो पुलिस लाइन रोड पर तेज रफ्तार से कार चलते हुए दो मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी और इस टक्कर में 2 पुलिसकर्मी सहित 3 लोग घायल हो गए थे, जिन्हें आनन फानन में जिला चिकित्सालय लाया गया और जहाँ पर इनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस आशीष जो कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय में तैनात है, वे कार के नीचे फंस गए और कार के साथ कुछ दूरी तक घसीटता चला गया। वहीं दूसरा पुलिसकर्मी संजय दत्त जो कि ललितपुर जिले के थाना मडावरा में तैनात है और वह वहां गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फिलहाल बता दें कि कार चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने अपनी कस्टडी में कार चालक को ले लिया है और पूछताछ लगातार जारी है। वहीं आगरा में 20 साल के बाद 2 एसिड पीड़ित महिलाओं का केस दर्ज हुआ है। इस महिलाओं ने अब आकर हिम्मत दिखाई है, लिहाजा पुलिस ने थाना ताजगंज और थाना एतमादोला में केस दर्ज कर लिया है। पहला मामला रुकैया का है। रुकैया अपनी बहन के घर अलीगढ़ गई हुई थी। 2002 में रुकैया अपनी बहन के घर अलीगढ़ में थी, तभी सोते वक्त बहन के देवर आरिफ ने रुकैया पर एसिड फेंक दिया। दरअसल आरिफ रुकैया से शादी करना चाहता था, लेकिन रुकैया शादी के लिए तैयार नहीं थी, लिहाजा उसने एसिड फेंक कर रुकैया का चेहरा खराब कर दिया।
उस वक्त आरिफ पर केस ना करवाने का दबाव बना गया और जिसके बाद से इसलिए केस दर्ज नहीं हुआ था। दूसरा मामला बता दें आपको, जो कि मधु का है, जो कॉलेज में पढ़ने जाया करती थी और उसी वक्त उन पर एक मनचले ने एसिड अटैक कर दिया। कॉलेज से लौटते वक्त मधु 1997 में हमला उस पर हुआ था मधु पर, और दरअसल मनचले पर पता चला था कि मधु का रिश्ता कहीं और तय हो गया है, लिहाजा मनचले ने मधु पर एसिड फेंक दिया और एसिड की वजह से मधु का भी चेहरा बेहद खराब हो गया। मधु का रिश्ता अनिल के साथ तय हुआ था, लेकिन अनिल ने अपना धर्म निभाया और अनिल ने मधु के शादी कर ली। वहीं आकर पुलिस ने रुकैया और मधु का केस दर्ज कर लिया है। वहीं आगरा पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रीति दर सिंह ने बताया है कि दोनों मामले में मुकदमा दर्ज कर उच्च स्तरीय जांच कराई जा रही है और दोनों महिलाओं को न्याय दिलाया जाएगा। वही बलरामपुर में एक दुकान में भीषण आग लग गई है। आग का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस ने बचाव कार्य में जुटी हुई है। घनी आबादी में आग लगने से मची अफरा तफरी के बाद से ये मामला सामने आया है और इस आग के लगने के बाद से आप तस्वीरों में देखें किस तरीके से ये आग लगी है, जिसको काबू पाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। और बता दें कि ये मामला जो है बतरामपुर का बताया जा रहा है, जहां भीषण आग लगने के कारण यहां एक दुकान में भीषण आग लगी थी, जिसके वजह से वहां पर लगातार राहत बचाव कार्य जारी है और लगातार लोगों को बचाया जा रहा है। और बता दें कि इस मामले को लेकर वहां जब आग की घटना देखने को मिली तो वहां अफरा तफरी का एक माहौल देखने को मिला है। फिलहाल आग पर काबू पाने की प्रयास में लगातार जुटे हुए हैं फायर ब्रिगेड की टीम। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।